हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले दो ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जैसे कि आपने देखा है थंबनेल में मैंने साफ साफ लिखा है कि एफ और डी की दोनों में होल्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ी है और दोनों स्टॉक्स अपने एक एक सपोर्ट पे पे रेजिस्टेंस पर पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार वहीं आके रुकते हैं और जब भी ऐसी ऐसा होता है कि नीचे के लेवल पर आके रुक जाते हैं तो जब चीजें ऊपर निकलती है तो याद रखिए अच्छे खासे पैसे बनाते हुए दिखाई देती है और लंबा कंसोलिडेशन भी इस दौरान हो जाता है तो जब लंबा कंसोलिडेशन हो जाता है तो ऐसे में पैसे बनते हुए फिर न, फाइनली नजर आते हैं और दोनों स्टॉक्स तो एकदम बेहतरीन कंपनियां है एकदम बेहतरीन स्टॉक्स है इसलिए FI's भी खरीद रहे हैं और डीआईस भी यहाँ पर खरीद रहे हैं जहाँ पर आपने देखा है कि बेच रहे थे वहां पर इन शेयर को वो, वो यहाँ पर पैसे डाल रहे थे क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर आपको डेटा दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएगी आपको लग रहा होगा कि एफ आईज यहाँ पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं ग्यारह सो करोड़ यहाँ पर तेरह सो करोड़ डीआईस ने बेचा है बट यहाँ पर देखिए वो कुछ यहाँ पर बाइंग भी कर रहे हैं साथ साथ तो यहाँ पर स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए तो पर पर दो स्टॉक्स जो कि यहाँ पर अच्छे खासे पैसे आपके बनाते हुए नजर आएंगे नीचे के लेवल पे आ गए हैं मैंने भी आज यहाँ पर बाइंग करी है पहले भी यहाँ पर इनमें ऑलरेडी बाइंग करी है और दोनों स्टॉक से रिलेटेड बहुत पहले से मैं वीडियो भी बनाता आ रहा हूँ तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जानते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल Invest forever. आपका चैनल है सब्सक्राइब कर कर लीजिए लीजिए बेल आइकन को को हिट ऑल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो बनाए तो आपको फॉरन तौर पे यहाँ पर वीडियो मिले और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वीडियो देखे तो आपको समझ में आएगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है एज वेल एज हमारे हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है जाके यहां पर इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट करें और जब भी ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर मिला करेंगे आपको बताया जाए करेगा और यहाँ पर आप अच्छे खासे पैसे यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर बनाते रहेंगे और जो हमारे टारगेट है कि हमें इतने करोड़ रुपए कमाने हैं विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड वो ईजिली एज, अचीव होता हुआ नजर आएगा एक वीडियो आज की डेट में यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ इसे एक बार यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ तो आपको चीजें समझ में आएगी एक वीडियो यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पर बीस वाले स्टॉक्स है ओके okay, जहाँ पर पैसा अच्छे खासा बनता हुआ नजर आ रहा है एक दस परसेंट एक बीस परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया पहले ही बताया अगेन बता, बता रहा हूँ क्योंकि इनके अभी टारगेट बहुत जल्दी हिट होते हुए नजर आएंगे तो ये वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ पहला स्टॉक्स है यहाँ पर पॉली मेडिको पहली मेडिकल एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है ओके देखिए अभी मेरे आ, कुछ दिन पहले यहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत सारे चक्कर लग रहे थे ओके okay, तो यहाँ पर आपको पता चले यहाँ पर बहुत सारे ब्लड टेस्ट हो रहे थे तो जब ब्लड टेस्ट होते हैं तो यहाँ पर लाइन लगा के जब उन्होंने ब्लड टेस्ट जिसमें किया तो यहाँ पर जो कंपनी में यहाँ पर जो ट्यूब्स में यहाँ पर ब्लड सैंपल उन्होंने लिया तो याद रखिए वो पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पर पॉलीमेडिक्योर की निकली तो यहाँ पर पॉलीमेडिक्योर एक बेहतरीन कंपनी है क्या जब कोविड हो रहा था कोविड में जो ये चीजें यूज हो रही मतलब जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे थे उनके सैंपल्स के लिए वो ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती हुई नजर आती है तो यहाँ पर काफी बेहतरीन यहां पर ये कंपनियां देखिए ब्लड कलेक्शन सिस्टम मतलब ये काफी बेहतरीन कंपनी यहाँ पर नजर आती है और यहाँ पर एक्विजिशन एज वेल एज नंबर वन कंपनी है एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं

लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये मौका है स्विंग ट्रेड के लिए जो आपको करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर बात करें इंटरेस्ट यहाँ पर अदर इनकम की अदरण कंपनी नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए है, कंपनी का प्रॉफिट इस बार का पैंतीस करोड़ रुपए है जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो लगभग सेम ही है, है बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया है दैट इज एक्सेप्टेबल ओके और क्यों बट यहाँ पर कंपनी के नंबर अच्छे खासे है सेल्स अच्छी खासी है और जब यहाँ पर एक्सपेंसिस आज नहीं तो कल कंट्रोल हो जाएंगे चीजें फिर दोबारा यहाँ पर अच्छी खासी होती हुई दिखाई देगी ईयरली बेसिस पर देखेंगे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है ईयरली बेसिस पर नंबर देखेंगे यहाँ पर सेल्स वो कंसिस्टेंट यहाँ पर अच्छी खासी है रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं

यहाँ पर देखिए 44 परसेंट की शेयर होल्डिंग पर प्रोमोटर्स के पास है कोई शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है एज वेल एज आज के दिन में देखेंगे तो लगभग 41 परसेंट के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर गए हैं क्योंकि शेयर थोड़ा सा टाइम देने पर यहां पर स्विंग ट्रेड जो हम चाहते हैं वो स्विंग ट्रेड यहाँ पर अच्छा यहां पर नजर आता है अब यहां पर देखेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग फोर्टी की है एज इट इज कह सकते हैं टू परसेंट पॉइंट जीरो की होल्डिंग कम होती है नजर आई है दैट इज नॉ और बात करें एफ की इसकी होल्डिंग एफ आई सी होल्डिंग

कंपनी के ऐसे नंबर इसकी वजह से ही थोड़ा सा ये गिरता हुआ नजर आ रहा है बट जैसे ही यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम के बाद अब कंसोलिडेशन हो गया गिरावट हो रही है चीजें फिर भागती हुई नजर आएगी सपोर्ट की बात करें कंपनी देखिए यहां पर आई थी तब गिरी थी तो यहीं पर गिरी थी इससे पहले गिरी थी तो इसी लेवल पर ही आके रुकी थी फिर अगेन इसी लेवल पर और इसी लेवल पर इसने लंबा एक कंसोलिडेशन भी बीच में यहाँ पर किया था उसके बाद चीजें भागती हुई नजर आई तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं एक लंबा कंसोलिडेशन ही कह सकते हैं कि मार्च से मार्च आने को हो रहा है एक साल लगभग बीतने को हो रहा है शेयर यहाँ पर ही ट्रेड कर रहा है

तो 40% के टारगेट में मिल रहे हैं और 20% के ही मिल रहे हैं तो यहाँ पर 20% के लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हैं इसके अलावा चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे और वो भी कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर छोटा-मोटा भी नहीं आप अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए एक शोल्डर बना इसके बाद एक शोल्डर यहाँ पर बनाया इसके बाद यहाँ पर एक इसने हेड बनाया और फिर यहाँ पर एक शोल्डर बना के निकलती हुई नजर आएगी और इसी रेंज में ये चीजें घूम रही है और जब ऐसे टारगेट अचीव होते हैं तो टारगेट और ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं बट अभी जैसे कि यहाँ पर ये पूरा सेक्टर फार्मा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है तो जब इतनी चीजें यहाँ पर बढ़ नहीं रही ओके okay, और ये कोविड ऐसा नहीं है कि कोविड बढ़ेगा तो ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में जंप आएगी क्योंकि ब्लड सैंपल तो हर यहां पर डॉक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले कहेंगे ब्लड सैंपल ब्लड सैंपल और इतने सारे टेस्ट करा देंगे तो 15 यहाँ पर लगभग आपका पैसा डबल होता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉब्लमेडिकल एक और स्टॉक से स्टॉक्सिलेटरी बातें करेंगे जिसका नाम है जिसमें अच्छे खासे पैसे यहाँ पर आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे एज वेल एज यहाँ पर एफ ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो यहाँ पर जब ऐसी ऐसे शेयर में यहां पर अपनी होल्डिंग जब

कब आने वाले हैं चौदह फरवरी को यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं नीचे आ गया है शेयर अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर इसके नंबर अच्छे ही आने हैं क्योंकि इसकी जो दूसरी कंपटीटर कंपनी है उनके नंबर अच्छे आए हैं स्मॉल कैप कंपनी है अगेन चौबीस सौ छब्बीस करोड़ का कंपनी है एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इनके प्रोडक्ट्स बिचेंगे ही बिचेंगे एज वेल एज फोर्टी थ्री परसेंट का ही डेट है ज्यादा डेट भी नहीं है और यहाँ पर जो इंडस्ट्री का पी है सेम इसका पी ही नजर आता है दो सौ पचपन पे बीच में गया था उसके बाद दो सौ रुपये ट्रेड कर रहा है पचास रुपये भी अगर इसमें बढ़ गए तो आपको

और यहाँ पर नंबर कंटिन्यू बेसिस पे देखेंगे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है यहाँ पर गिरावट हुई थी फिर उसके बाद दोबारा कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा अपने आप को परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है वर्किंग प्रोग्रेस में तेरह करोड़ रुपए यहाँ पर लगे हुए हैं और जितना ये कंपनी एक्सपाय यहाँ पर खर्च कर रही है याद रखिए कैपेक्स में धीरे धीरे यही कंपनी भागती हुई नजर आएगी और इसी कंपनी यही कंपनी जो ये नंबर ये जो पर्टिकुलर कम सेगमेंट में ये कंपनी है तो इनके ही नंबर अच्छे आते हुए दिखाई देंगे और यही

30.77 से so 31.25 कर ली है ओके okay, पब्लिक की होल्डिंग की बात करें पब्लिक से शेयर जा रहे हैं तो पब्लिक से जब शेयर जा रहे होते हैं तो याद रखिए ये पॉजिटिव साइन है ओके okay, यहाँ पर ये पर्टिकुलर शेयर यहाँ पर भागने हैं भागने हैं और केवल भागने हैं तो इस कंपनी की अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की अगेन सेम यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है ग्रीन फ्लाई इंडस्ट्री तो पर देख सकते हैं चीजें ऊपर गई ओके okay, ऊपर जाके यहाँ पर नीचे आई पहले भी बीच में वीडियो बनाई थी ओके okay, इसी लेवल पे वीडियो बनाई थी शेयर ऊपर गया यहाँ पर अपने टारगेट मीट हुए यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है और एक लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है यहाँ से यहाँ देखेंगे मार्च से मार्च पूरा एक साल हो गया है शेयर में एक ही रेंज में यहाँ परफॉर्म किया है इससे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर लेवल पे ये शेयर रुका था अगेन सेम यहाँ पर रुका था फिर यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर रुकता हुआ नजर आया था यहाँ पर रुका था यहाँ रुका था यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था इसके अलावा यहाँ पर इसने काफी कंसोलिडेशन किया था नीचे के लेवल की बात करें तो नीचे यहाँ पर अगर रिजल्ट बेकार आए तो यहाँ पर बीस रुपए की सीधे बीस से तीस रुपए की यहाँ पर गिरावट नजर आती है जब रिजल्ट बेकार है बट अगर रिजल्ट बेकार नहीं आता और ऐसा नहीं है एक साथ ही क्रैश हो जाएगा धीरे धीरे करके आएगा उस टाइम आपको बेचने के भी यहाँ पर टाइम मिल जाएगा ओके बट यहाँ मुझे लगता नहीं है रिजल्ट बेकार आएंगे रिजल्ट अच्छी ही आने सैंतीस के आर एस पे शेयर ट्रेड कर रहा है एज वेल एज यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सीधे आपके पच्चीस परसेंट के टारगेट यहाँ अचीव हो रहे हैं और यहाँ पर ये इसके पियर कंपनी के जब नंबर अच्छा आए तो इसके भी अच्छे आएंगे ही के टारगेट ये हो गए 30% के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पर एक कब यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाते हुए चीजें ऊपर निकलती हुई नजर आ रही है जब ये गिर रहा है तो एक मौका है मार्केट गिर, गिर रही है चीजें यहाँ पर मार्केट गिर रही है तो खरीदेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियर एडवाइजर खुद की स्टडी करे और जितना हो सके सपोर्ट करिए यहाँ पर हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे लाए इसी वीडियो को जाकर देखिए और ये हमारा नंबर है इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस